नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सचिन और आप देख रहे हैं टेकी टेक सचिन। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही नॉलेजेबल होने वाला है क्योंकि आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कोरोना का जो भी कॉलर ट्यून सभी नेटवर्क में लगा चुका है डिफॉल्ट में, उसके बारे में बात करने वाले हैं और उसे रिमूव कैसे किया जा सकता है उसके बारे में बताने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं। दोस्तों, सबसे पहले मैं बात करना चाहता हूँ आपको कि कोरोना वायरस का जो भी आपको कॉलर ट्यून लगा है उसे प्लीज रिमूव मत कीजिए, क्योंकि इसे WHO यानी कि जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है उनकी तरफ से, अपने गवर्नमेंट की तरफ से, सभी टेलीकॉम ऑपरेटर्स, जो भी टेलीकॉम कंपनी है, उनको बताया गया है कि इसे डिफॉल्ट रखने के लिए। इसलिए सभी कंपनी ने अपने जो भी अपने ग्राहक है, जो भी अपने कस्टमर है, उनको वो डिफॉल्ट सेट कर दिया है, क्योंकि लोगों को पता चले कि कोरोना वायरस किस तरह से फैलता है और उसके प्रिकॉशन कैसे लेने हैं। इसलिए इसे डिफॉल्ट में रखा दिया गया है। यह सबके लिए बहुत ही फायदेमंद की बात है, तो इसे प्लीज रिमूव मत कीजिए। अगर फिर भी आप अपने इस कोरोना वायरस का जो कॉलर ट्यून है उसको रिमूव करना चाहते हो तो कुछ टिप्स मैं आपको बताने वाला हूँ। अगर आप उसको फॉलो करोगे तो यह जो कॉलर ट्यून है वो रिमूव हो जाएगा। लेकिन दोस्तों, ध्यान रखिए, आज का वीडियो सिर्फ जो लोगों के लिए है, जो लोग जियो का इस्तेमाल करते हैं उनके लिए सिर्फ ये वीडियो बनाया है। तो एयरटेल, आइडिया, वोडाफोन और BSNL के वीडियो भी आने वाले हैं आज, सिर्फ और सिर्फ जियो के जो यूजर्स है उनके लिए बताया हूँ। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर आप जो यूजर हो और आपके भी इस नंबर पर ये जो कोरोना का जो कॉलर ट्यून है वो लग चुका है, उसे रिमूव करने के लिए सिंपली आपको एक मैसेज करना है। मैसेज बॉक्स में आपको STOP स्टॉप करके लिखना है और उसे 155223 इस नंबर पर सेंड करना है। जैसे ही आप इस मैसेज को सेंड करोगे, जो की तरफ से आपको एक रिप्लाई में एक मैसेज आएगा। उस मैसेज में आपको जो कॉलर ट्यून कैंसिल करने के लिए एक पर यस रहेगा, दो पर नो रहेगा, तो ये दबा कर आप यस कर देंगे तो आपका जो कोरोना का जो कॉलर ट्यून एक्टिवेट था वो रिमूव हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, एक सिंपल सा जो मेथड है, आपको ये मैसेज करके आप जो का जो कॉलर ट्यून है यानी कि कोरोना का जो भी कॉलर ट्यून है वो सिंपली आप रिमूव कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज आप समझ चुके होंगे कि जो में अगर कोरोना का जो भी कॉलर ट्यून लग चुका है उसे रिमूव कैसे करना है, ये तो आज आप समझ चुके होंगे। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं और आने वाले दिनों में एयरटेल, आइडिया, वोडाफोन और BSNL के भी में ये जो जो कॉलर ट्यून है उसे कैंसिल कैसे करना है, कोरोना का जो कॉलर ट्यून है उसे रिमूव कैसे करना है उसके रिलेटेड वीडियोस में लाने वाला हूँ। तो आप भी हमारे चैनल टिकटेक सचिन को सब्सक्राइब जरूर करें। और भी नॉलेजेबल वीडियो और टेक्नोलॉजी रिलेटेड वीडियोस आते रहेंगे, तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नए वीडियो के साथ, धन्यवाद।